हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूज कुकिंग हब। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला पुलाव। ये खाने में जितनी टेस्टी है उतनी ही हेल्दी भी है। आप जब इसे घर में बनाएंगे तो सब्जी और दाल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और आप इसे बहुत जल्दी बना लेंगे। तो आइए इस पुलाव की रेसिपी को बनाते हैं। मसाला पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी गोभी, आधी कटोरी आलू, आधी कटोरी मटर, आधी कटोरी टमाटर, बीन्स आधी कटोरी, आधी कटोरी गाजर और थोड़े से गरम मसाले लिए हैं, जिसमें दो इलायची, दो लौंग और दो छोटी वाली इलायची ली है, एक दालचीनी का टुकड़ा, दो लौंग और दो तेज पत्ता। यहाँ पे मैंने एक गिलास चावल को 20 मिनट सोख किया था और उसके बाद पानी निकाल के रख दिया था एक छन्नी में। और अभी मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन, पैन में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। मैं इस राइस को तेल में बना रही हूँ, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे मैंने ऐसे क्यूब में कट किया है, तो मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। सब्जियाँ और पनीर पूरे आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड कि आप क्या डालना चाहते हैं। आपके घर में जो अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं इस राइस को बनाने में। और यहाँ पर पनीर हमारा फ्राई हो चुका है। इस टाइम पे मैंने देखे एक मुट्ठी भर के डाली है बादाम। बादाम यहाँ पे थोड़ा सा भुन चुका है, तो इस टाइम पे एक मुट्ठी मैंने डाला है काजू। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से और भी चीज़ें बढ़ा सकते हैं, जैसे किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखे आप अच्छे से भुन चुकी है ड्राई फ्रूट्स, तो मैं इसे एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। और अभी मैंने लिया है यहाँ पे एक कढ़ाई, कढ़ाई में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल। आप इस पुलाव को घी में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ फ्रेंड। और साथ में मैंने यहाँ पे डाला है 1 छोटी चम्मच जीरा, तेज पत्ता और ये जो गरम मसाला मैंने लिया था इसमें एक फ्लावर भी लिया है, आप देख सकते हैं। तो अभी हमें इसे डाल देना है और इसे भी हमें भून लेना है, ताकि गरम मसाले का और जीरा तेज पत्ते का अच्छे से फ्लेवर आ जाए ऑयल में। और अभी मैं डाल रही हूँ आलू, साथ में मैंने गोभी को भी ऐड कर लिया है। और इन दोनों चीज़ों को हमें पहले थोड़ा सा भून लेना है, क्योंकि इसे भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये पक भी जाता है अच्छे से। बाकी सब्जियाँ बहुत जल्दी पक जाती है फ्रेंड। और अभी ये थोड़ा सा भून चुका है, तो मैंने यहाँ पे गाजर को ऐड कर दिया है, साथ में यहाँ पे मैंने बीन्स को भी ऐड कर दिया है और इसके साथ में ही टमाटर भी डाल रही हूँ। और अभी हम इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो मैं बीच बीच में एक दो बार ढक्कन लगा के भी इसे भूनी हूँ, क्योंकि चावल को हमने सोख किया है तो वो बहुत जल्दी पक जाता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच अदरक, तो ये अदरक का पेस्ट है फ्रेंड। और अभी हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लिया है, तो इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है आमचूर पाउडर। और अभी हमें इन मसालों को भी अच्छे से भून लेना है। तो इसे भून रहे हैं हम लोग, तो साथ में नमक भी ऐड कर देंगे ताकि सब्जी अच्छे से पक जाए। इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनें। अगर आपको लगता है कि ये ड्राई है तो आप थोड़ा सा पानी छिड़क के भी इसे भून सकते हैं। और ये हमारी सब्जी अच्छे से भून चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे चावल को ऐड कर दिया है। चावल को ऐड करने के बाद आप इसे हल्के हाथों से मिक्स कर ले, इसे बहुत ज़्यादा ना चलाएं, नहीं तो ये टूट जाएगी चावल। हमें इसे ऐसा नहीं है कि भूनना है, बस इसे मिक्स कर देना है। अगर आप चाहें तो इस राइस को पहले भून के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पहले भून ले उसके बाद ऐड करें। और इस टाइम पे मैं यहाँ पे मटर के दाने भी ऐड कर दी हूँ और इसे भी मैंने मिक्स कर दिया है। और जिस ग्लास से मैंने चावल को मेज़र किया था उसी ग्लास से हमें यहाँ पे 2.5 गिलास पानी डालना है। और पानी डालने के बाद हमें बस इसे मिक्स कर देना है।
और इसे आप ढक के 8 से 10 मिनट पका लें। तो चावल पे भी डिपेंड करता है कि आपके चावल को कितना टाइम लगता है। ये चावल 8 मिनट में इजीली पक जाती है और मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से उबाल आ चुकी है और ये 7 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने इसे एक बार ओपन किया है और इस टाइम पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पनीर और साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स भी। इसके साथ में हमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर देना है। साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक मुट्ठी भर के हरा धनिया। हरा धनिया से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा फ्रेंड, बहुत टेस्टी लगता है। और बस इसे नीचे के चावल को हमें ऊपर कर देना है हल्का सा और इसे ढक के लो फ्लेम पे हमें 1 मिनट तक बस पकने देना है। और 1 मिनट हो चुकी है और यहाँ पे पुलाव हमारा अच्छे से पक चुका है और आप देख के ही समझ सकते हैं कि ये कितना टेस्टी बना होगा। एकदम खिला खिला हमारा पुलाव रेडी है और इस पुलाव को मैंने रायता के साथ सर्व किया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।